मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको संस्कृत प्राकल्य कार्य संबंधी कुछ निर्देश दूंगी। हमें संस्कृत में भी प्रोजेक्ट वर्क करना है और जिसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, आपको दिशा निर्देश दे रही हूँ कि किस प्रकार संस्कृत प्रोजेक्ट बनाना है। कॉपी के संस्कृत कॉपी के अंतिम दो पेज में आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क करना है। और ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि प्रत्येक पेज में कॉर्नर बॉर्डर अनिवार्य रूप से बनाएं, डेकोरेट अच्छी तरीके से करें ताकि आपकी रचनात्मक जो कला है वो उभर कर सामने आ सके। कॉर्नर बॉर्डर सजाने के लिए पेंसिल कलर का प्रयोग करें, स्केच पेन का प्रयोग ना करें, ग्लिटर का प्रयोग भी वर्जित है। सजावट के लिए पुराने शादी के कार्ड वगैरह का आप उपयोग कर सकते हैं और लिखने के लिए सिर्फ काली स्याही का ही प्रयोग करें। कॉपी के अंतिम दो पेज जो मैंने कहा है, कॉपी के एकदम लास्ट में जो पेज हैं उनमें आपको, यानी कि दो पेज यानी चार साइड में आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है। अभी मैं आपको एक फॉर एग्जांपल मैं एक आपको दिखा देती हूँ, आपको प्रोजेक्ट वर्क किस प्रकार करना है मैं आपको दिखाती हूँ एक एग्जांपल। ये मैं आपको एक पहले का किया हुआ प्रोजेक्ट वर्क दिखा रही हूँ कि संस्कृत में कैसे लिखना है। संस्कृत के फर्स्ट पेज के ऊपर आप लिखेंगे संस्कृत प्राकल्य कार्य। संस्कृत प्राकल्य कार्य लिखने के बाद आप नीचे लिखेंगे गायत्री मंत्र। गायत्री माता की एक फ़ोटो लगाएंगे, यहाँ पर सेंटर में लगानी है गायत्री माता की फ़ोटो। उसके नीचे आप गायत्री मंत्र लिखेंगे, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस पहले वाले पेज के ऊपर ही आपको इस तरह से गायत्री मंत्र लिखना है। अब आया दूसरा पेज। दूसरा पेज में आपको सरस्वती वंदना लिखनी है। ऊपर में आप लिखेंगे, बॉर्डर अच्छी तरह बनाएंगे जैसा ऑलरेडी बना हुआ है उससे वैसा ही आप उससे सुंदर भी बना सकते हैं अपनी रचना के अनुसार। सरस्वती वंदना वहाँ हम लिखेंगे। उसके बाद हम सरस्वती माता का चित्र, अगर आपको ऐसे नहीं मिलता तो आप गूगल से ढूंढ सकते हो, सरस्वती माता का चित्र लगाएंगे और सरस्वती माता का यहाँ पर मंत्र लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ सरस्वती माता के लिए लिखा, सरस्वती माता सरस्वती देवी नमस्तुभ्यम। ये पूरा आपको दो श्लोक आपकी बुक में दिया हुआ है, आपकी संस्कृत की किताब में ये ऑलरेडी सरस्वती वंदना में ये दिया हुआ है। ये दो लाइनें सरस्वती माता की लिखनी हैं और तीसरे पेज पर आपको चार लाइनें लिखनी है, यानी टोटल आपको सरस्वती वंदना में से छः लाइनें लिखनी हैं। दो तो श्लोक हैं, बाकी ये दोनों, ये उसके बाद की चार लाइनें आपको प्रोजेक्ट वर्क में लिखनी है। इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क समाप्त होता है। यहाँ आप लाइन खींच सकते हो, नीचे और नीचे जाएगा तो नीचे आप लाइन खींच सकते हो, क्योंकि आप लोगों को ये सिर्फ छः लाइनें जो हैं वही लिखनी है। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है सारे बच्चों को। पहले संस्कृत प्राकल्य कार्य लिखना है, गायत्री मंत्र लिखना है, गायत्री जी की फ़ोटो लगानी है, ओम भूर्भुवस्वः यहाँ मंत्र दिया है, आपकी कॉपी में बुक में भी दिया हुआ है वो मंत्र लिखना है, नहीं है तो यहाँ से देख के लिख सकते हो। दूसरे पेज पर सरस्वती वंदना लिखना है, सरस्वती माता की फ़ोटो, सरस्वती जी के दो श्लोक यहाँ हैं और उसके बाद दिए गए चार श्लोक आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क में लिखने हैं। धन्यवाद।